आदिवासी युवकों के साथ हुई मारपीट को लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने चक्का जाम कर ज्ञापन दिया। विवाद के बाद शनिवार को आदिवासी समुदाय का गुस्सा भड़क उठा। मारपीट के आरोपी पर धारा 307 लगाने की मांग को लेकर आदिवासी युवाओं ने उग्र प्रदर्शन कड़ी धाराओं के तहत कार्यवाही करने की मांग की है, जिसमें बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए दुकान में रखे टायर को रोड पर रखकर आग के हवाले कर दिया और आरोपी की फोर व्हीलर को भी तोड़ दिया। चांद पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई और बताया गया कि कल ही मामला कायम कर लिया गया था एवं चिकित्सकीय प्रमाण के बाद अन्य कार्यवाही की जाएगी, लेकिन पुलिस की समझाइश इसके बाद भी आदिवासी समाज के लोग नहीं माने। घटना की जानकारी एडिशनल एसपी अवधेश प्रताप सिंह को दी गई। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और समझाइश इसके बाद मामला शांत हुआ। हासिल हुई है, चारों जो फरार पुलिसकर्मी थे वो गिरफ्तार हो गए हैं, क्या कहें उसको लेकर? हाँ, चारों आरोपी आज गिरफ्तार हो गए हैं और हम उनको कोर्ट में रिमांड के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं और जो सिक्के जो जगह पे चोरी हुए थे उनकी हम बरामद के लिए कितने पुलिसकर्मी चारों पुलिसकर्मी चारों पुलिस जो वांछित चारों थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। सर उनसे क्या रिकवरी की गई? सर रिकवरी के प्रयास चल रहे हैं, पूछताछ चल रही है और पुलिस रिमांड में लिया। कहाँ से गिरफ्तार किया सर को? ये तो हमारे यहाँ शहर में ये जमानत कराने के लिए घूम रहे थे, हमको जो सूचना मिली थी सादात। सर इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा आज? आज न्यायालय में पीआर ली जाएगी क्या सर? पुलिस रिमांड लिया जाएगा। ओके सर, अभी तक देखने में आया है जब भी कोई चोरी होती है कुछ भी होती है तो पुलिस प्रशासन के द्वारा एक फोटो सेशन किया जाता है, प्रेस वार्ता ली जाती है, पत्रकार वार्ता ली जाती है। इस कांड में